हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मुजीदा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक अटैकिंग ओपनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी अटैकिंग प्लेयर है उनको ये ओपनिंग बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही फेमस है, सभी लोग जानते भी होंगे इसके नाम के बारे में। और सबसे पहले आप लोग गेस कर लीजिए ये ओपनिंग का नाम क्या है। एब्सोल्युटली राइट दोस्तों, यहाँ पे इस ओपनिंग का नाम है किंग्स गैम्बिट। द किंग्स गैम्बिट बहुत ही अटैकिंग और बहुत ही फेमस लाइन है। थोड़ी सी रिस्की भी है, खास ध्यान रखिए, अगर आप मूव बाय मूव कोई भी मिस्टेक करते हैं तो यहाँ आप खुद भी फंस सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। बहुत ही ब्रिलियंट ओपनिंग आपके लिए नई शुरुआत कर रहे हैं। आज से इस ओपनिंग की पूरी सीरीज में आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम सारे वेरिएशन देखेंगे। तो सबसे पहला जो वेरिएशन है दोस्तों, जिसका नाम है फिशर डिफेंस। फिशर डिफेंस e4, e5 एंड नेक्स्ट मूव f4। f4 के बाद e takes f4 और knight f3, then d6। दोस्तों ये वेरिएशन है फिशर डिफेंस। ब्लैक d6 क्यों करता है इस मूव में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, d6 से इसलिए किया जाता है कि knight e5, किंग्स गैम्बिट में व्हाइट का knight e5 रोकना पड़ता है। तो एक वेरिएशन ऐसा है d6 वाला। तो हम पहले इस वेरिएशन पे पूरा, मैं आपको हर एक मूव बाय मूव बताऊंगा। वीडियो दोस्तों, चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि पूरी सीरीज आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। यहां पे व्हाइट के मूव होगी d4। d4 सेंटर कंट्रोल के लिए है। ब्लैक g5, g5 ब्लैक ट्राई कर रहा है f4 पोन को g5 से सपोर्ट करना। नेक्स्ट मूव अगर g5 नहीं होता है तो व्हाइट की जो थ्रेट है बिशप f4 और व्हाइट का पीस अग्रेसिव अटैक में आ सकता है, इसीलिए g5। g5 के बाद यहां पे एक मैं आपको सरप्राइज मूव बताऊंगा। G5 के बाद यहाँ पे H4, ये एक डबल एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से आप काउंटर कर सकते हो। H4 के बाद ब्लैक का रिप्लाई G4 यही होना चाहिए। यहाँ पे knight g1 बेस्ट ऑप्शन है। knight g1, इसमें knight g5 भी आप कर सकते हो, लेकिन knight g1 मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। knight g1 के बाद ब्लैक खेलता है bishop h6, अभी भी पॉन को कंटिन्यू सपोर्ट करते रहता है f5 पॉन जो है f4 को bishop h6। अब यहां पे व्हाइट का बेस्ट रिप्लाई क्या होना चाहिए, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है इन दिस पोजिशन knight c3 इज अ गुड। knight c3 क्वीन साइड भी आपका डेवलप हो रहा है। आप व्हाइट के पोजिशन में देखिए कि यहाँ पे नाइट डेवलप हो चुका है, बिशप ओपन है आपका डायगोनल में, और ये नाइट फिर से e2 से आप तुरंत एक्शन में ला सकते हो। रुक फाइल जो h फाइल है वहां भी आपका ही प्रेशर है, तो knight c3 इज अ बेस्ट ऑप्शन। knight c3 के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा c6। यहां पे c6 के तीन रीजन, ये पोजीशन में ब्लैक c6 के ऑप्शन में और तीन चॉइस है ब्लैक के पास, knight f6 या फिर knight c6, और तीसरा जो ऑप्शन है bishop e6। ये तीन चॉइस है ब्लैक के पास इस पोजीशन में।
तो तीनों चॉइस में सी सिक्स ही क्यों बेटर है? यहाँ पे हम देखते हैं, अगर नाइट एफ सिक्स करके वाइट के जो सेंटर पे अटैक करना चाहता है उसके रिप्लाई में वाइट क्या कर सकता है, तो सबसे पहले नाइट सी सिक्स के रिप्लाई में एन जी ई टू, उसके बाद डी फाइव सेंटर ब्रेक करने की कोशिश, डी फाइव के ऑप्शन में ई फाइव और यहाँ नाइट एच फाइव विद जी सिक्स पे प्रेशर बना रहेगा, लेकिन इतना इफेक्टिव मूव नहीं है ये, खास ध्यान रखिए। नाइट एच फाइव के बाद सिंपल जी थ्री, जी थ्री में ब्लैक पॉन टेक्स पॉन नहीं कर सकता क्योंकि बिशप एक्सरे अटैक में है। तो यहां पे ब्लैक का रिप्लाई होगा नाइट सी सिक्स, सिंपल डेवलपमेंट। नाइट सी सिक्स के रिप्लाई में बिशप जी टू, एफ थ्री पॉसिबल मूव है, लेकिन यहां भी काउंटर में बिशप एच सिक्स अभी भी खड़ा है, इसलिए एफ थ्री। और यहाँ एफ थ्री के बाद ब्लैक नाइट ई सेवन और नाइट एफ फाइव ला सकता है, लेकिन इसमें नाइट ई सेवन जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी फाइव पॉन पे डायरेक्ट अटैक है, तो नाइट ई सेवन इज ए गुड ऑप्शन ब्लैक के लिए। तो नाइट ई सेवन के रिप्लाई में वाइट देगा यहाँ पे बिशप टेक्स एफ फोर, और यहाँ बिशप एफ फोर एक्सचेंज होने के बाद बिशप टेक्स एफ फोर आफ्टर नाइट टेक्स एफ फोर, नाइट टेक्स एफ फोर और जी टेक्स एफ फोर। अब यहाँ पे वाइट वाइट को कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वाइट खेल सकता है गेम। दोस्तों रिस्की लाइन है, इसीलिए सभी मूव आपको परफेक्टली समझने होंगे। नाइट एफ सिक्स के रिप्लाई में आपको क्या करना है, ये सारे मूव्स आप नोट डाउन कर लीजिए। नाइट एफ सिक्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है, नाइट सी सिक्स करके देख लेते। नाइट सी सिक्स अगर यहाँ पे ब्लैक सेकंड जो चॉइस है नाइट सी सिक्स, तो यहाँ आपको बिशप बी फाइव करना है पिनिंग, और नेक्स्ट मूव में आप डी फाइव की थ्रेट दे रहे हो। तो बी बी फाइव के रिप्लाई में ए सिक्स और यहाँ पे बिशप टेक सी सिक्स, बी टेक सी सिक्स और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, क्वीन डी थ्री, क्वीन एफ सिक्स और बिशप डी टू। तो ये पोजीशन भी काफी बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन डी थ्री दोनों साइड अपनी नजर रखे हुए है, क्वीन एफ थ्री पे भी और यहाँ पे ये डायगोनल में भी, क्वीन सी फोर भी आ सकता है, नेक्स्ट थ्रेट भी दे सकते हैं क्वीन टेक सी सिक्स की। तो आपके पास बहुत अच्छी चॉइस है, जरूरत पड़ने पर आप लॉन्ग कैसल करके यहाँ से निकल सकते हो अटैक से दूर। तो ये है ब्लैक की दूसरी चॉइस जो एन सी सिक्स, और थर्ड चॉइस है बिशप ई सिक्स। बिशप ई सिक्स इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बिशप ई सिक्स में सिंपल वाइट खेलेगा क्वीन डी थ्री और यहाँ पे डेवलपमेंट करके खेलना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सी सिक्स, इस पोजीशन में सी सिक्स इज ए गुड ऑप्शन। सी सिक्स का एक दूसरा भी रीजन है क्वीन सी सेवन या क्वीन बी सिक्स, दो दो ऑप्शन ब्लैक के हाथ में रहते हैं और क्वीन की लाइन ओपन होती है। सी सिक्स के बाद ये जो मैं बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा हूँ ये मेन लाइन है। पहले जो मैंने ब्लैक की तीन चॉइस बताई है वो इंटरनल चॉइस है दोस्तों। आप अपनी जो बुक में बनाते हो ओपनिंग, तो उसमें जो भी मेन लाइन है उसका पूरा पेज अलग रखिए। मैंने जो जो मेन मूव्स बताए हैं ये मेन लाइन के मूव्स है, पहले से देख लेते हैं फिर से। ई फोर ई फाइव एफ फोर पॉन टेक्स देन डी फोर एच फोर नाइट जी वन बिशप नाइट सी सिक्स और सी सिक्स, ये मेन चॉइस है। तो सी सिक्स के रिप्लाई में मेन चॉइस में आपको क्या खेलना है, यहां पे आपको खेलना है एन जी ई टू। एन जी ई टू के बाद क्वीन एफ सिक्स
ब्लैक अपने पॉन को सपोर्ट भी देगा क्योंकि दो दो अटैक है, पॉन पुश नहीं कर सकता। अब वो पॉन पुश की थ्रेट है, उसके क्वीन और बिशप सपोर्टेड हो गया है। तो यहाँ पे क्वीन एफ सिक्स के बाद आपको खेलना है जी थ्री, जी थ्री में एफ क्रॉस जी थ्री और यहाँ बिशप टेक्स एच सिक्स। यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास है बिशप टेक्स एच सिक्स के बजाय, बिशप टेक्स एच सिक्स रॉन्ग है सॉरी, बिशप टेक्स एच सिक्स में क्वीन एफ टू आता है और फिर आपकी गेम बहुत ही डेंजर में आती है। तो नाइट जी थ्री पहले कर लीजिए। ध्यान रखें मैं मूव जो बता रहा हूँ वो खास सोच के खेलना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने पहले बताया आपको कि ये टेक्स में बिशप टेक्स एच सिक्स कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपके किंग के ऊपर प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, किंग डी टू होकर आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो बेटर है आप नाइट टेक्स जी थ्री ऑप्शन चुनिए क्योंकि बिशप टेक्स सी वन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्वीन टेक्स भी कर सकते हैं, रुक से भी मार सकते हैं, दो दो ऑप्शन है, दो दो चॉइस है आपके पास। और मेरे हिसाब से रुक टेक्स बेटर है क्योंकि आफ्टर बिशप टेक्स सी वन, रुक टेक्स सी वन, देन डी फोर पॉन, ये हैंगिंग है, उसे क्वीन का सपोर्ट रहना जरूरी है। तो हर एक मूव गेम में ओपनिंग जब भी हम सीखते हैं तो एक भी मूव मिस नहीं हुए, कैलकुलेशन पूरा आपके हाथ में है। जल्दबाजी में मेरे से भी कोई गलत मूव बता दिया मैंने अगर आपको, तो आपको सुधारना यह आपकी जिम्मेदारी है। नाइट जी थ्री के बाद दोस्तों बिशप टेक्स सी वन हम देखते हैं, बिशप टेक्स सी वन और यहाँ पे रुक टेक्स सी वन, उसके बाद अगर ब्लैक क्वीन एच सिक्स करता है और जैसे कि एच फोर पे प्रेशर भी है, क्वीन एच सिक्स आइडिया बिहाइंड दिस मूव, नाइट एफ सिक्स नेक्स्ट थ्रेट है, तो यहाँ पे ये थोड़ी बैड मूव है ब्लैक की। यहाँ सिंपल आप बिशप डी थ्री डेवलप करके खेल सकते हो। बिशप डी थ्री के बाद क्वीन ई सिक्स चेक, चेक में कोई प्रेशर नहीं है, आपका नाइट ई टू ये भी आ सकता है और नाइट सी वाला, नाइट सी वाला बेटर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे डी फोर पॉन को सपोर्ट मिल जाता है। नाइट सी ई टू एनी सेवन, ब्लैक खेलेगा यहाँ पे एनी सेवन और यहाँ क्वीन डी टू और गेम को इजी वे में आप कर सकते हो, जैसे कि क्वीन टेक्स क्वीन फोर्स हो गया आई थिंक, क्वीन टेक्स क्वीन देन किंग टेक्स क्वीन और तुरंत गेम एंड गेम में चली जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉन ब्लैक अप है लेकिन व्हाइट के पीसेस सभी पीसेस एक्टिव है, आप एक पॉन कभी भी रिकवर कर सकते हो। आपके दोनों नाइट दोनों रुख कनेक्टेड हो चुके हैं, बिशप भी डेवलप हो चुका है और उसके सामने कंपेंसेशन ये है कि ब्लैक के तीनों पीसेस अपने घर पे ही पड़े हैं, नाइट सिर्फ डेवलप है लेकिन जैसे ही अनडेवलप जैसा है क्योंकि ना तो उसके पास एफ फाइव मूव है और ना ही ई फाइव मूव है, सिर्फ रुक भी इनएक्टिव है, कैसल भी नहीं हुआ है, हमारे कैसलिंग की जरूरत नहीं है, किंग ई डी टू लेके आए हैं। तो ये था हमारा पहला वेरिएशन। दूसरे वेरिएशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, एक दो दिन में मैं बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि किंग्स गैम्बिट के सारे पूरी सीरीज आपके सामने मैं पेश करता हूँ। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद जय गुजरात।